क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, मैं ऐसा नहीं हूँ, बस ये सिचुएशन ऐसा था तो मुझे भी ऐसा करना पड़ा, या फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक्शन का रिएक्शन ही दिया है, पहले उसने ही मेरे साथ गलत बर्ताव किया था, मैंने नहीं। हम कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं फिर बोलते हैं हम ऐसे नहीं हैं, बस सिचुएशन ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हमने ऐसा कर दिया। हम हमेशा जाने अनजाने में खुद को डिफेंड करते ही हैं, भले ही हमें नहीं पता हो। हर बार हम दूसरों को गलत ठहराते हैं या फिर सिचुएशन को। तो चलिए फिर हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं कि ये सब प्रॉब्लम सिचुएशन की है या हमारी। इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले गंगा नदी के किनारे एक संत रहते थे। एक दिन सुबह जब वह नदी किनारे ध्यान कर रहे थे, एक बास उड़ रहा था। जब बास संत के ठीक ऊपर था, उसकी पकड़ ढीली हो गई और जो चूहा उसने पकड़ रखा था वह संत की गोद में गिर गया। संत को चूहे पर दया आई, उन्होंने उसे उठाया और एक श्लोक सुनाया। वह चूहा तुरंत एक बच्ची में बदल गया। संत वह बच्ची को अपनी पत्नी के पास लेकर गए और बोला, हमारी कोई भी संतान नहीं है, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से बच्चा चाहिए था, इस छोटी सी बच्ची को लो, अब से यह हमारी बेटी है। बेटी को पाकर पत्नी बहुत खुश हुई, उसने बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे चूमा, फिर उसने अपना सारा प्यार और देखभाल बच्चे की परवरिश में लगा दी। कई साल जाने के बाद वह छोटी बच्ची एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। संत और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के लिए एक गुणवान वर की तलाश शुरू कर दी। संत ने एक पूजा की जिसके द्वारा उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की। जब सूर्य देवता प्रकट हुए, संत ने अपनी बेटी से पूछा, यह सूर्य देवता हैं, क्या तुम इनसे शादी करोगी? बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, यह बहुत गर्म है, मैं उसे सहन नहीं कर सकती। तब संत ने वर्षा देवता से प्रार्थना की। उनकी बेटी ने वर्षा देवता को भी मना कर दिया क्योंकि वह बहुत काले और ठंडे लग रहे थे। वर्षा देवता ने पवन देवता से प्रार्थना करने के लिए संत को सलाह दिया क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था और कुछ भी ले जा सकता था। जब पवन देवता आए, उन्हें देखकर बेटी ने कहा, पिताजी मैं इनसे शादी करना नहीं चाहती हूँ, यह हमेशा चल रहा है, यह स्थिर नहीं हो सकता, कृपया किसी और को खोजें। पवन देवता ने कहा, पहाड़ के पास जाओ, वो बहुत ताकतवर है, वह मुझे भी रोक सकता है, तुम्हारी बेटी अवश्य उसे पसंद करेगी। जब उन दोनों पहाड़ के पास गए, बेटी ने कहा, पिताजी मुझे इनसे भी शादी नहीं करनी है, यह बहुत सख्त है और छूने में भी मुश्किल है। संत ने पहाड़ से पूछा, सर क्या कोई ऐसा है जो आपसे भी ताकतवर है? पहाड़ ने जवाब दिया, हाँ, चूहे के पास जाओ, वह मुझसे ताकतवर है, वह मेरे कठोर शरीर में भी छेद कर सकता है। तब संत ने चूहे को बुलाया। उस चूहे को देखकर संत की बेटी शर्मा गई और बोली, पिताजी मैं इस चूहे से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे एक चूहिया में बदलना होगा। संत मुस्कुराए और लड़की को चूहिया में बदल दिया। इस प्रकार चूहिया लड़की चूहिया दुल्हन बन गई। किसी महापुरुष ने कहा है, किसी इंसान की वास्तविक पहचान कभी नहीं बदली है। तो चलिए, इसी के साथ होता है स्टोरी का दी एंड। मुझे यकीन है आपको आपकी सवालों का जवाब मिल चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।